नमः शिवाय। हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत हम लोग जहाँ पहिया है पाठ पढ़ रहे हैं और इस पाठ के कुछ अंशों को हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। आवेग अर्थात जोश। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर जहाँ पर महिलाएं साइकिल सीखती हैं वहाँ का दृश्य देखना अपने आप में एक अद्भुत ही अनुभव है। किला कुरुची एक गांव है जहाँ सभी महिलाएं साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थीं और यहाँ पर वे आकर साइकिल सीख रही थी। इन्हें हर हाल में अब साइकिल सीखना ही था। साथ ही साथ सभी वर्ग की औरतें मिलजुल कर यह साइकिल चलाना सीख रही थी। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिया संग। लेखक कहते हैं कि साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपे गए प्रतिदिन के काम के घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जो नवयुवतियाँ हैं वह साइकिल चलाते हुए अपना मनोरंजन भी करती हैं, गीत संगीत के द्वारा गाना भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, आओ हम सब महिलाएं इस साइकिल के पहिए के संग दुनिया घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है अर्थात जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं उनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं जो अभी अभी नई साइकिल चलाना सीख रही हैं उन महिलाओं को अपना भरपूर सहयोग देती हैं। वह अन्य स्त्रियों को जिन्हें साइकिल चलाने नहीं आता उन्हें साइकिल चलाने में मदद करती हैं, उन्हें सिखाती हैं। उनमें यहाँ न केवल साइकिल सीखने सिखाने की इच्छा उनमें दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना ही चाहिए। वह अपने पूरे स्त्री वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अकेले अपने स्वतंत्रता के लिए नहीं। उनका मानना है कि सभी स्त्रियों को साइकिल चलाना जरूर आना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोटे में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। यहां पर लेखक कहते हैं कि 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जो जिला था यह पूरे तरीके से बदल गया। अब यह पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता। इस दिन 1500 महिलाएं साइकिल पर सवार होकर अपने साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए पुडुकोटई में तूफान ला दिया था। इस दिन महिलाओं ने साइकिल आंदोलन के द्वारा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया और वे आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के साइकिल चलाने की इस तैयारी ने
वहाँ रहने वाले को हैरान कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इस सारे मामलों में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक का तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़ों को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। वृद्धि अर्थात ज़्यादा, इंतजार अर्थात प्रतीक्षा। लेखक कहते हैं कि इन सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? वे कहते हैं कि इस आंदोलन के पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक का रहना तो स्वाभाविक था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। 8 साइकिल्स एक साइकिल डीलर है जिसके यहाँ से औरतों ने साइकिल खरीदना शुरू किया और साइकिल चलाने का सिलसिला आरंभ हुआ। यहाँ जो साइकिल खरीदने का आंकड़े अर्थात इस संख्या को 2 कारणों से कम तोला गया या छोटा समझा गया। पहली बात यह था कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। तो इस तरह से 8 साइकिल्स में दोनों तरह की साइकिलों की वृद्धि बढ़ी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ लेखक को यह जानकारी दी क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक बिक्री में कर विभाग में टैक्स के डिपार्टमेंट से आए हैं और वह इसकी जानकारी ले रहे हैं कि इस साल की बिक्री कितनी हुई है। तो वह डीलर थोड़ा सावधान हो गया। उसने बहुत ही चालाकी पूर्वक अपना पक्ष रखा था। आगे के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमः शिवाय।